तो फ्रेंड मात्र 4000 चला हुआ है, डोमिनार 400 मिलने वाला है आपको 1,10,000 रुपये में। 79,000 में आपको मिल रही है बुलेट और 62,000 28,000 रुपया। फ्रेंड्स 3,70,000 मिलने वाले को वरना व्हाइट कलर की। तो फ्रेंड्स ये डीजल मॉडल है, 2,80,000 रुपया प्राइस है इसका, तो ले सकते हैं रेड कलर की डिफरेंट। और 62,000 में फ्रेंड ये मिलने वाली है आपको। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आज की वीडियो की स्टोरी आप टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे किस टॉपिक पे होने वाली है। तो हाँ फ्रेंड, आज की वीडियो की टॉपिक होने वाली है सेकंड हैंड बाइक मार्केट के ऊपर। तो पिछला वीडियो को आपने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था और आपने काफी भर भर के कमेंट किया था भाई सेकंड पार्ट बनाओ। तो हमारे घर के पास एक बहुत ही बड़ा और शोरूम है, तो आज मैं वहाँ पे आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। फ्रेंड पिछला वीडियो पे काफी ज्यादा व्यूज भी गया, लोग काफी ज्यादा पसंद किए उस वीडियो को, तो आज मैं सेकंड पार्ट बनाने के लिए आया हूँ सुमन ऑटो। फ्रेंड्स और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी सारी बाइक्स और कार है। तो यहाँ पे कार्स भी सेल होती है और बाइक्स भी सेल होती है। यहाँ पे बहुत सारी स्पोर्ट्स बाइक, बहुत सारी माइलेज वाली बाइक, बहुत सारी बुलेट, जावा, डोमिनार, KTM वगैरह सारी कुछ भरी हुई है। तो वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा। तो एक एक करके बाइक की डिटेल बताता हूँ और बताता हूँ कौन सी बाइक कैसी है और कितने प्राइस की है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। फ्रेंड्स हम हैं सुमन ऑटो में और हमारे साथ हैं ये भैया, अपना नाम बताइएगा भाई जान। अमित चौधरी नाम है भैया का और ये यहाँ पे काम करते हैं। तो ये पूरा डिटेल बताएंगे बाइक के बारे में, क्योंकि हमें तो नहीं पता है कि बाइक का प्राइस क्या है और बाइक कितनी चली हुई है और बाइक किस कंडीशन में है, तो यही भैया बता सकते हैं। तो एक एक करके बताते हैं। यहाँ पे 3 बाइक खड़ी है मेरे सामने में और यहाँ पे ये समझते डेमो लगा हुआ है शोरूम के ठीक बाहर में, और सारी बाइक्स जो शोरूम है वो अंदर में, बहुत सारी बाइक्स हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं पहले 3 ये बाइक दिखा देता हूँ और अंदर यहाँ पर भी कुछ बाइक्स हैं तो वो भी दिखा देता हूँ। तो एक एक करके दिखाते हैं और बात करते हैं पहले इस RC की। तो भैया इस RC के बारे में थोड़ा सा बताइएगा मेरे को। 19 का मॉडल है, RC 200, 13,000 चला हुआ है। 13,000 चला हुआ है और प्राइस। तो फ्रेंड्स 1,05,000 रुपये प्राइस है, इस RC 200 का प्राइस है 1,05,000 रुपये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे खड़ी है एक V3 और V3 भी काफ़ी मस्त लग रही है। इसमें लगा है विंगलेट और डबल बबल वाइजर, जो कि हम लोगों को आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को खर्च भी पड़ता है। और ये बाइक लेंगे हम लोग तो ये चीज़ फ्री मिलने वाला है यहाँ पे। तो ये V3 के बारे में कुछ हम लोग डिटेल बता दें। 17,000 चला हुआ है आपका। 1,02,000 में फ्रेंड ये आपको ब्लू कलर की V3 मिलने वाली है। और हमारे पास एक और यहाँ खड़ी हुई है डेमो में RC 125 और काफ़ी नई लग रही है ये, बहुत ही नई लग रही है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएंगे भैया। 2020 का गाड़ी है ये, 2020 की गाड़ी है, 4,000 चली हुई है मात्र। 1,15,000 रुपया। तो फ्रेंड्स ये 2020 की गाड़ी है और देख सकते हैं सारी बाइक का लुक, देख सकते हैं आप कितनी मस्त है और कितनी कंडीशन में रखे हुए हैं। यहाँ पर धूल गर्दे पड़ते रहते हैं क्योंकि ये रोड के बगल में, देख सकते हैं यहाँ बगल में रोड है। तो अगर बाइक आप लेते हैं तो बढ़िया सा पॉलिश वॉलिश मार के आपको दिया जाएगा यहाँ पे। और देख सकते हैं बाइक तीनों काफ़ी मस्त लग रही है और अंदर में खड़ी है एक डोमिनार, तो चलिए वो डोमिनार को देखते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे एक डोमिनार, तो डोमिनार के बारे में बताइए भैया। 250 ABS मॉडल। तो फ्रेंड्स ये 250 cc का डोमिनार है, कितनी ईयर की है? 2021 की गाड़ी है। ओके और इसके बारे में, और 1400 किलोमीटर चली हुई है। और सबसे जरूरी चीज़ आप देख सकते हैं गाड़ी कितनी मस्त लग रही है। और इसके अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस भी 1,20,000 रुपये प्राइस है डोमिनार 250 की। और देख सकते हैं ये मैट ग्रे कलर में और काफ़ी मस्त लग रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं FZ है और ये भी FZ है। तो 250 का मेरे को सिर्फ प्राइस बता दीजिए। 2017 लास्ट की गाड़ी है और इसकी प्राइस है 62,000 और
देख सकते हैं ये 250 मॉडल है और यहाँ पे 150 मॉडल है FZ, इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताइए। 18 लास्ट का लास्ट का गाड़ी है ये आपका पड़ जाएगा 55,000। तो फ्रेंड अब चलते हैं शोरूम के अंदर और शोरूम के अंदर बताएंगे भैया क्या प्राइस की बाइक है यहाँ पे, तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो यहाँ का मेन शोरूम ये है जहाँ सारी बाइक्स और कार रहती है, तो देख सकते हैं यहाँ कार भी मिलती है। अगर आप बाइक लेते हैं तो यहाँ पे बाइक वॉश होती है और पॉलिश होती है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी बाइक्स है। तो सारा बाइक मैं कवर नहीं करूँगा, जो जो बाइक मेरे को अच्छा लगता है मैं उसी के बारे में भैया से पूछने वाला हूँ। और इधर देख सकते हैं बुलेट है, एवेंजर है, इधर स्कूटीज़ है कुछ, और इधर इतनी सारी बाइक्स है, देख सकते हैं आप कितनी सारी बाइक्स है। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल पूछते हैं भैया से। तो स्टार्ट करते हैं ये अपाची 4B मॉडल से। तो 4B मॉडल है यहाँ पे ब्लू कलर में, ब्लू एंड वाइट कलर में। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताइए भैया। 2018 का लास्ट का गाड़ी है, 2018 लास्ट का गाड़ी है, ये 68,000 पड़ेगा। 68,000 की ये गाड़ी है, ये डोमिना 400 है, ABS मॉडल है, और ये आपका 2019 का मिडिल का गाड़ी है, 2019 मिडिल का गाड़ी है, 1,10,000 रुपये पड़ेगा। तो फ्रेंड मात्र 4,000 चला हुआ है, डोमिनार 400 मिलने वाला है आपको 1,10,000 रुपये में। और गाड़ी की कंडीशन देखा जाए तो एकदम बेस्ट है, एकदम बेस्ट। और वाइट कलर में गाड़ी है, वाइट एंड ब्लैक, काफ़ी खूबसूरत लग रही है, काफ़ी नई भी है बाइक। तो बाइक एकदम कंडीशन में है, ये ABS मॉडल है, काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है, मेरे को डोमिनार ये वाला काफ़ी पसंद आई। और यहाँ पर और भी बाइक्स है तो एक एक करके भैया से पूछते हैं। और यहाँ पे एक V3 है, बुलेट को लास्ट में कवर करते हैं फ्रेंड, बुलेट को लास्ट में कवर करते हैं क्योंकि बुलेट का भी बहुत सारा लोगों का क्रेज़ है और बुलेट के बारे में लोग बहुत जानना चाहते हैं, तो इसलिए बुलेट को लास्ट में कवर करते हैं। और यहाँ V3 के बारे में पूछते हैं कि क्या है क्या है। 2020 के एंड मॉडल है, ये 2020 के एंड मॉडल है। ओके, आपका चला हुआ लगभग वही 11,200 को चला हुआ है, 11,200 चली हुई है ये बाइक। तो फ्रेंड BS6 मॉडल है ये आपका पड़ जाएगा 1,15,000। सही है, 1,15,000। तो फ्रेंड देख सकते हैं V3 के बगल में खड़ी है RS 200 है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएंगे भैया। ये 2015 का गाड़ी है, 2015 की गाड़ी है, 23,000 चला हुआ गाड़ी, 23,000 चली हुई है, 62,000 पड़ेगा, 62,000 ना, काफ़ी मस्त है और ये भी अच्छी लग रही है। 62,000 में आपको RS 200 मिल रहा है, ये आप क्या चाहते हो? तो RS 200 हो गया, बगल में आते हैं Pulsar 220 के ऊपर, तो ये भी बजाज की गाड़ी है, तो Pulsar 220 के ऊपर बता दी भैया क्या प्राइस है इसका, कितनी चली हुई है? ये 2018 का गाड़ी है, 2018 की गाड़ी है, 16,000 कुछ चला हुआ गाड़ी है। ओके, 16,000 कुछ चली हुई है, आपका पड़ जाएगा वही 61,000। तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता है कि मेरे पास भी R15 version 2 है, तो यहाँ पे भी एक version 2 लगी हुई है, तो इसके बारे में डिटेल पूछते हैं भैया से। ये फुल ब्लू कलर में है, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताइए भैया। ये 2017 का गाड़ी है, 2017 की गाड़ी है, ये चला हुआ आपके 31,000 किलोमीटर चली हुई है, इसका आपका आ जाएगा 64,000 में version 2 मिलने वाली है। मेरा AD मॉडल है, 2015 लास्ट का है, ये AK मॉडल अच्छी लगी है, ब्लू कलर में है, काफ़ी अच्छी है, और 62,000 में फ्रेंड ये मिलने वाली है आपको। तो फ्रेंड देख सकते हैं NS बहुत सारे हैं, बहुत सारे भाई NS खूब बोले हैं वीडियो में कि NS चाहिए भाई, NS चाहिए, तो यहाँ पे लगी एक NS रेड एंड ब्लैक कलर में, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताइए भैया। ये 2015 की गाड़ी है, 2015 की गाड़ी है, इसका आपका 28,000 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी, 28,000 किलोमीटर चली हुई है, आपका पड़ जाएगा 48,000 में आपको Pulsar मिलने वाली है, Pulsar 200। तो फ्रेंड 48,000 में आपको मिलने वाली है Pulsar 200, तो देख सकते हैं रेड एंड ब्लैक कलर में, काफ़ी अच्छी लग रही है। और बगल में आते हैं RC के ऊपर, बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो ये भी बाइक काफ़ी मस्त लग रही है, वाइट एंड ऑरेंज कॉम्बिनेशन है, साथ में ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, काफ़ी मस्त लग रही है, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताइए भैया। 2019 का गाड़ी है, 2019 की गाड़ी है, 13,000 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी है खाली, 13,000 किलोमीटर चला, आपका ये पड़ जाएगा 1,18,000। तो फ्रेंड्स 1,18,000 रुपये पड़ेगी इस RC की, RC 200 ना, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है और काफ़ी अच्छी लगी मेरे को ये भी। और थोड़ा सा और इधर बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक और NS है, तो NS के बारे में थोड़ा डिटेल पूछते हैं भैया से। ये NS 160 है, NS 4 मॉडल है, BS4 मॉडल है, और आपका ये 2017 फर्स्ट का गाड़ी होगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं Pulsar 160 NS है, तो 61 पड़ेगा इसका, 61,000, तो काफ़ी अच्छी है ये भी। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे एक Pulsar है, तो ये थोड़ी सी माइलेज वाली बाइक में आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं यार माइलेज वाली बाइक चाहिए, तो वो सब थोड़ी बाइक थोड़ी तेल ज़्यादा पीती है, तो फ्रेंड लोग नॉर्मली Pulsar और Apache यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा भैया डिटेल पूछते हैं, उसके बाद आपको प्रॉपर माइलेज वाली बाइक आपको दिखाऊंगा कि कैसी बाइक है कैसी नहीं यहाँ पे। तो ये Pulsar के बारे में थोड़ी डिटेल बता दीजिए। ये 2014 का गाड़ी है, ये 2014 की गाड़ी है, 28,000 रुपया। तो फ्रेंड 28,000 में Pulsar 150 मिल रहा है, वो भी ऐसे कंडीशन में, तो और क्या चाहिए हम लोगों को। और यहाँ पे एक अपाची है, 2012 का गाड़ी है, 2012 की गाड़ी है, ये आपका वही, इसका भी 28,000 रुपये पड़ेगा।
तो फ्रेंड्स अभी तक मैंने आपको जितनी भी बाइक दिखाया सारी स्पोर्ट्स बाइक थी, सारी अच्छी खासी तेल पीती है प्लस अच्छी स्पीड वाली है, टॉप एंड पकड़ने वाली बाइक है। उम्मीद करता हूँ ये बाइक सारी आपको काफी अच्छी लगी होगी। और अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको माइलेज वाली बाइक, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग सजेस्ट करते हैं यार मेरे को माइलेज वाली बाइक चाहिए। तो फ्रेंड माइलेज वाली बाइक के ऊपर लोगों का कमेंट काफी आ रहा था भाई माइलेज वाली बाइक को आप ज्यादा कवर करो, तो कुछ माइलेज वाली बाइक आपको दिखाते हैं, उसके बाद कुछ स्कूटी भी दिखाते हैं और प्लस यहाँ कुछ कार्स भी है, तो एक दो कार्स को भी कवर करेंगे कि कार्स का क्या डिटेल है, मेरे को नहीं पता था यहाँ कार्स भी मिलती है, तो दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स मैं बात कर रहा था आपसे माइलेज वाली बाइक के, तो यहाँ पे बहुत सारी माइलेज वाली बाइक का कलेक्शन है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। यहाँ फ्रेंड यहाँ पे सुपर स्प्लेंडर है, तो इसके बारे में भैया डिटेल बताएंगे आपको। 2020 का एंड का गाड़ी है, 2020 एंड का गाड़ी है, BS6 ओके, इसका 70,000 पड़ेगा, 70,000। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे सीडी डीलक्स है और ये भी माइलेज वाली बाइक है, तो भैया इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताइए। 2018 का गाड़ी है, 2018 की गाड़ी है, इसका 47,000 पड़ेगा, 47,000। होंडा शाइन, तो होंडा शाइन का बता दीजिए। होंडा शाइन आपका है ये 2015 गाड़ी है, 2015 की गाड़ी है, ये आपका पड़ जाता है 39,000 होंडा शाइन। और इस होंडा शाइन की थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए। ये होंडा शाइन ये भी 15 का है, इसको भी 39,000 में, ये दोनों 39,000 की एक एक करके है। ये ग्लैमर की बात करते हैं, इसके प्राइस पूछते हैं भैया से। 2019 का गाड़ी है, 2019 की गाड़ी है और इसका प्राइस आपका पड़ जाएगा 52,000। साइन इसकी का प्राइस थोड़ा बताइए भैया, और कितनी चली हुई है बता दो। 2017 का गाड़ी है, 2017 की गाड़ी है, ये आपका चला हुआ है 31,000, 31,000 चली हुई है। और प्राइस, प्राइस इसका पड़ जाएगा 46,500 में आपको साइन एसपी मिलने वाला है। और काफी अच्छी बाइक है, 5 गियर वाली बाइक है, तो अच्छा लगता है चलाने में, काफी मजा है इस बाइक को। और फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे एक पैसन है मस्त माइलेज वाली बाइक, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताइए भैया। ये 2019 का गाड़ी है, 2019 की गाड़ी है, इसका भी आपका चला हुआ गाड़ी है आपका 16,000 किलोमीटर, 16,000 किलोमीटर, प्राइस पड़ जाएगा 49,000, 49,000 में मिलने वाली है पैसन प्रो, और नई मॉडल है, अच्छी लग रही है काफी। जितना भी आपको माइलेज वाला बाइक मैंने दिखाया सारा फ्रेश था, और जितने स्पोर्ट्स कैटेगरी वाला बाइक दिखाया सारा फ्रेश है। और अब मैं आपको दिखाने वाला स्कूटी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्कूटी बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो स्कूटी दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स आ गए स्कूटी के ऊपर, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिवा 6G और यहाँ पे भी एक्टिवा है, और ये एक्सेस है 125 एक्टिवा 6G, तो उसके बारे में डिटेल बताइए भैया थोड़ा। एक्टिवा 6G है, 2020 का दिसंबर महीने की गाड़ी है, 2020 की दिसंबर महीने की गाड़ी है, 3,000 मात्र 3,910 किलोमीटर चली हुई है। और इसके प्राइस, इसका प्राइस आपका लास्ट पड़ेगा 69,000। 21 की जनवरी महीने की गाड़ी है और इसकी प्राइस चला हुआ आपका 4,129 किलोमीटर, 4,000 कुछ चली हुई है, और इसकी प्राइस बता दी भैया, इसका भी पड़ेगा 69,000। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे खड़ी है टीवीएस इंटॉक, और देख सकते हैं बहुत ही मस्त लग रही है, थोड़ी सी गंदी होगी बाइक रखे रखे, तो भैया इसके बारे में डिटेल बताइए थोड़ा। 2019 का गाड़ी है, 2019 की गाड़ी है, 14,300 कुछ चला हुआ गाड़ी, 14,300 कुछ चली हुई है, ये आपका पड़ जाएगा 58,000, 58,000 में आपको मिलने वाली इंटॉक 125cc। और आगे डिस्क है, आगे डिस्क भी है, तो बाइक काफी मस्त लग रही है, स्कूटी कम बाइक ज्यादा लगती है, और इसका आवाज में जो बेस है ना बहुत ही मस्त लगता है, स्कूटी वाला फीलिंग आता ही नहीं है। तो बढ़ते हैं माइस्ट्रो के ऊपर, बगल में एक माइस्ट्रो खड़ी है व्हाइट कलर की, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल पूछते हैं भैया से, तो माइस्ट्रो के बारे में बताइए भैया। 2015 का लास्ट का गाड़ी है, 2015 लास्ट की गाड़ी है, और ये आपको पड़ जाएगा 34,000 रुपया माइस्ट्रो व्हाइट कलर की, काफी अच्छी लगी है, प्राइस भी काफी सही लगा मेरे को इसका, 36,000 रुपया। तो फ्रेंड देख सकते हैं माइस्ट्रो की प्राइस 36,000 रुपया इसका। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे एक यामा की रेस जेड है, और काफी अच्छी लग रही है, भैया इसी को वॉश कर रहे थे, 27,000 चली गई, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है भैया बता रहे हैं, क्योंकि भैया रखे हुए हैं जी। 31,000 में आपको रेस जेड मिलने वाली है। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे यामा के रेस जेड आर मॉडल है, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताइए भैया। 2017 एंड की गाड़ी है, सिर्फ 8,000 चली हुई है, देख सकते हैं आगे डिस्क भी है, और टायर वायर एकदम नई है इसकी, इसकी थोड़ी टायर घसी हुई है, लेकिन ये इसकी टायर एकदम मस्त है। 38,000 प्राइस है इसकी, और इसकी प्राइस टायर बता दीजिए आप। 36,000 16 की गाड़ी है, 16 एंड की गाड़ी है, गाड़ी चला हुआ आपका 17,000 किलोमीटर, 17,000 किलोमीटर चली गया, प्राइस 33,000। तो देख सकते हैं फ्रेंड व्हाइट कलर की है, और जिसको हीरो का गाड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, स्कूटी अच्छी लगती है, तो परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं बुलेट की, तो यहाँ पे 3 बुलेट थी, एक बुलेट काफी अच्छी लग रही थी, वो यहाँ से भी निकल चुकी है, तो 2 बुलेट यहाँ पे, भैया से बुलेट के बारे में डिटेल पूछते हैं, तो ये वाले बुलेट के बारे में डिटेल बताइए भैया। 2014 का गाड़ी है, 2014 की गाड़ी है, सेकंड ऑनर गाड़ी है, सेकंड ऑनर गाड़ी है, 79,000 में आपको मिल रही है बुलेट, और देख सकते हैं कंडीशन कलर वगैरह आप देख सकते हैं काफी मस्त है।
फ्रेंड्स बाइक तो आपको मैंने काफ़ी दिखा दिया, बहुत सारी बाइक दिखा दिया, स्पोर्ट्स बाइक दिखा दिया, स्कूटी दिखा दिया, माइलेज वाली बाइक दिखा दिया, और यहाँ पे कार्स भी सेल होती है, मेरे को पता नहीं था, तो कुछ कार्स का डिटेल पूछ लेते हैं। कार्स के बारे में उतना इंटरेस्ट नहीं मेरे को, लेकिन आपको होगा ज़रूर, तो कार के बारे में डिटेल पूछते हैं। यहाँ पे एक स्विफ्ट खड़ी है रेड कलर की, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल बता दीजिए भैया। 2013 का एंड की गाड़ी है, 2013 एंड की गाड़ी है ये स्विफ्ट। 78,000 चला हुआ है, 78,000 चला हुआ है। और प्राइस की बात करें, प्राइस अगर 280 करेगा लास्ट 280। तो फ्रेंड्स ये डीजल मॉडल है, 2,80,000 रुपये प्राइस है इसका, तो देख सकते हैं रेड कलर की स्विफ्ट है, काफ़ी अच्छी लग रही है। और सबसे टॉप मॉडल यहाँ पे गाड़ी है वरना, तो वरना के बारे में डिटेल पूछते हैं भैया से। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे व्हाइट कलर की वरना है, यही सबसे टॉप मॉडल गाड़ी है यहाँ की, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताइए भैया। टॉप मॉडल आपका 2012 का एंड का गाड़ी है, 2012 एंड की गाड़ी है, पेट्रोल डीजल डीजल है, 3,70,000। तो फ्रेंड 3,70,000 मिलने वाली है आपको वरना व्हाइट कलर की बाइक। तो मैंने सारा आपको दिखा दिया, वहाँ पे एक स्विफ्ट खड़ी है, वो देख सकते हैं, कुछ ऐसा कलेक्शन है यहाँ पे सुमन ऑटो में। सारा बाइक तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन इंजन टेस्ट मैंने किसी का नहीं किया है, तो मेरे को कुछ कुछ बाइक का जो डाउट है जो सामने डेमो में लगी हुई है, तो इस बाइक को मैं चालू करके आपको दिखाता हूँ कि कैसी है बाइक, इंजन से परफेक्ट है या नहीं, वो चीज़ मैं दिखाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी, तो स्टार्ट करते हैं RC125 को। फाइनली फ्रेंड्स मैंने सारा बाइक तो आपको दिखाई दिया, सारा बाइक का इंजन टेस्ट भी कर लिया, सारी बाइक इंजन से भी एकदम परफेक्ट है। तो आप यहाँ का बाइक देख सकते हैं, अगर आपको बाइक पसंद आती है तो आप चला के भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर सकते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और ये शोरूम का जो डिटेल होगा वो डिस्क्रिप्शन में होगा, जो नंबर होगा वो डिस्क्रिप्शन में होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।